इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेडमी नोट 7 के लिए एक और कस्टम रोम। तो देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और इसमें कौन सी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो इसमें मैंने रोम को इंस्टॉल किया हुआ है अपने रेडमी नोट 7 में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी रोम मैंने इसमें फ्लैश की हुई है। ठीक है, ये आप इसको सेटिंग्स के जो नज़र आ रही होंगी, अबाउट फ़ोन में जाते हैं, यहाँ से जाके ये इसकी डिटेल है। ठीक है, इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है वो 9 मिलता है, एंड्रॉयड 9 पाई पे ये रन कर रही है और AOSP एक्सटेंडेड इसका जो है ऑफिशियल है, 6.6 इसका जो वर्जन है वो ऑफिशियल इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये पाई पे रन कर रही है, आपके सामने है। ठीक है, लेटेस्ट इसमें आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल जाते हैं और मज़ीद इसमें आपको डिजिटल वेलबींग का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो इसमें अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप इसको देख लें, इसमें कोई नई अपडेट आएगी तो वो इसमें ये उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा जो भी मसला है इसमें। तो डिस्प्ले में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन थोड़ी सी मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए एक्सपेंड डेस्कटॉप की है, उसके बाद ये एम्बिएंट डिस्प्ले है। ठीक है, अगर आपने ऑलवेज ऑन का इसमें ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप एम्बिएंट डिस्प्ले को एनेबल कर दें तो आपका ऑलवेज ऑन जो है इस पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद डिस्प्ले में आपको और भी ऑप्शन मिल जाती हैं तो आप वो अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पोको डिडक्शन हैं, टैप टू वेक। ठीक है, इसको हम डबल टैप करते हैं तो ये वेक हो जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, और ये इसका UI है, इसका आपने लाइट करना है, डार्क करना है, इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका एक्सेंट कलर है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पहले ब्लू था। ठीक है, अभी मैंने ये चेंज कर दिया, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। और ये फाउंट है, इसका फाउंट आपको जो भी अच्छा लगता है वो भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले साइज़ है, मज़ीद आप देख लीजिएगा। इसमें बैटरी बैकअप जो आपको मिलता है वो इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, तो देख लें, 1 दिन और 12 घंटे हो गए हैं मुझे चार्ज किए हुए इस पर, और ये इजीली आपको 2 दिन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपको और बैटरी सेविंग की भी ऑप्शन मिल जाती है तो आप वो अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ये सारी कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मज़ीद मैं आपको इसमें थोड़ी सी बता देता हूँ कि कौन कौन सी कस्टमाइजेशन है। ये स्टेटस बार की सारी कस्टमाइजेशन है। ठीक है, क्लॉक सेटिंग्स है, स्टेटस बार, बैटरी का स्टाइल है, बैटरी बार है, ट्रैफिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जो भी सारा कुछ है आपके सामने ही है। ये बैटरी परसेंटेज है, ठीक है, ये बैटरी स्टाइल है, ये देखें। अब ये बैटरी क्यू का जो स्टाइल है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो आपके सामने चेंज हो चुका है। और इसमें आपको थोड़ी सी म्यूज़िक सेटिंग मिल जाती हैं, इसमें AEX का लोगो आपको वो देख रहे हैं साइड पे नज़र आ रहा होगा, अगर वो आप चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें। ठीक है, मज़ीद ये ब्राइटनेस कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, आप अपने स्टेटस बार पे स्वाइप लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये टाइम का आ गया था, सेटिंग्स वगैरह आप टाइम की भी यहाँ से कर सकते हैं कि आपने क्लॉक राइट साइड पे करना है या लेफ़्ट साइड पे करना है। ठीक है, और मज़ीद में आपको इसमें कौन से फीचर्स हैं वो भी आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ये मेन मेन चीज़ें मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मज़ीद आप अपने रेडमी नोट 7 में इस रोम को इंस्टॉल करें
लिंक जो है इसका वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप इसको रोम को डाउनलोड करें और फिर आप कस्टम रिकवरी में जाके इसको फ्लैश करें। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने रेडमी नोट 7 में कस्टम रिकवरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं, तो उसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप जाके वो वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन से की आपको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, ये नेविगेशन जैसेज आपको मिल जाते हैं इसमें, ये रीसेंट स्टाइल है, आपने किस तरह का आप इसमें रीसेंट स्टाइल करना है, पाई का करना है या ओरियो का करना है, वो भी आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये लॉक स्क्रीन, यहाँ से आप ये लॉक स्क्रीन की थोड़ी सी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से इनेबल कर दें। ठीक है, ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स हैं, ये सिस्टम में हम गए, यहाँ जनरल ट्रिक्स आपको कुछ मिल जाती हैं, ये थ्री फिंगर जेस्चर्स, आप तीन उंगलियों से थ्री फिंगर से आप स्वाइप अप या डाउन करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट्स ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ये एनिमेशंस हैं इसके, तो आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है वो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन तो मैंने आपको चेक करवा दी है, इसमें बस यही कस्टमाइजेशन देख। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको इसकी जो बाकी फीचर्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये डायलर इसका ये वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं है ये एरर है ये भी, तो ये भी इसमें बग है एक। और कैमरा आपको इसमें एक सिंपल लाइन और एज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको कैमरा मिलता है, इसमें आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल बिल्ट इन नहीं मिलता, लेकिन आप इसमें गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कैमरा टू एपीआई बिल्ट इन मिलता है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसमें कैमरा टू एपीआई पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ इसमें गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना है, गूगल कैमरा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसमें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।